ग्रेटर नोएडा का बिलासपुर कस्बा और उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 2 एकड़ जमीन में बना हुआ है उसका ताला लगा दिया गया था इस कोरोना काल में, यानी ओपीडी बिल्कुल बंद थी। यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया और आज खुद जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह मौके पर पहुँचे और इस हॉस्पिटल का ताला खोल दिया गया है और डॉक्टरों की टीम भी यहाँ मौजूद है। इस बारे में जेवर विधायक धीरेंद्र जी का कहना है कि इसे पुनर्जीवित कर इसमें आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे क्षेत्रीय लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। जैसा आप सभी को मालूम है कई दिन से मांग उठ रही थी बिलासपुर का स्वास्थ्य केंद्र जिस पर ताला लटका हुआ था, वहाँ जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र जी पहुँचे हैं और इसका ताला खोल दिया गया है, डॉक्टरों की टीम भी पहुँची है। विधायक जी क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, इतनी बड़ी आबादी में ये हॉस्पिटल बंद था, ताला लगा था, लोगों ने मांग की और आप मौके पर पहुँचे हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना ने दूसरी लहर में वेग के साथ मानवता को संक्रमित किया और इसका संक्रमण देहात क्षेत्र में फैला है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक हम देहात क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं बना लेंगे तब तक हम इस कोरोना की लड़ाई को नहीं जीत सकते। गांवों में लोग अपनी बीमारी छिपाते हैं, सही समय पर इलाज उन्हें नहीं मिल पाता, तो मेरा प्रयास है जिस तरीके से जेवर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनर्जीवित किया गया उसी तरीके से विधानसभा की प्रत्येक PHC को पुनर्जीवित किया जाए। जहाँ कंस्ट्रक्शन कराया जाना है वहाँ कंस्ट्रक्शन कराया जाए, जहाँ उपकरणों की ज़रूरत है वहाँ उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीनों में जेवर विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाएं इस लायक हो सकें जो वो आने वाले समय में अगर कोई आपदा आती है तो देहात और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। आज हमने ये इसका दौरा किया है और इसमें से चेयरमैन साहब भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, बिलासपुर के बाकी व्यापारी वर्ग भी, तायल साहब ने भी कहा है कि वो इसमें सारी फिटिंग्स वगैरह, पंखे और जनरेटर और पावर बैकअप की व्यवस्था करेंगे, और मैं भी इसमें CSR फंड से अपनी निधि से जो भी डॉक्टर साहिबा मांगेंगी उन्हें वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जो यहाँ लोगों का बेहतर इलाज हो सके। समय तो लग सकता है लेकिन चूँकि ये चीज़ संज्ञान में आ गई है और इसके लिए इस क्षेत्र के बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो वो जनभावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इस अस्पताल का जीर्णोद्धार होना अब लाजमी है।